उसे। अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी और रणबीर कपूर के बाद अब सोनम कपूर ने सेंसर बोर्ड को दिखाया है मिडिल फिंगर। इससे पहले कि आप सोच में पड़ जाएं कि बॉलीवुड के हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस क्यों कर रहे हैं सेंसर बोर्ड के साथ ऐसी बदतमीजी, पहले ये रिसर्च कर लीजिए दैट व्हाट दिस जेस्चर मींस। ओप्स, डिड यू जस्ट से कि आप जानते हैं दैट ये है एक अब्यूजिव जेस्चर? वेल मे बी देन आपको ये जेस्चर्स लगे अब्यूजिव, लेकिन मजे की बात तो ये है कि हमारे सेंसर बोर्ड को नहीं पता मिडिल फिंगर का मतलब। Surprised? Well, so were we. क्योंकि एक इंग्लिश डेली के मुताबिक यही है प्लेयर्स के थिएट्रिकल प्रोमो में सोनम कपूर का ये जेस्चर पास करने के पीछे सेंसर की लैक ऑफ अब्यूसिव नॉलेज। सोर्सेज का कहना है कि जब प्लेयर्स का ये प्रोमो सेंसर बोर्ड के पास आया तो बोर्ड की सीईओ थी ऑन लीव और उनकी एब्सेंस में जूनियर ऑफिशियल्स ने इस प्रोमो के कई और सीन्स और कुछ अब्यूसिव वर्ड्स को तो हटवा दिया, लेकिन इस मिडिल फिंगर जेस्चर को पास कर दिया विद अ यूनिवर्सल सर्टिफिकेट। द रीजन बीइंग उन्हें नहीं पता था मिडिल फिंगर का रेलेवेंस एंड द हाइट इज दैट कि अब छुट्टी से लौटने के बाद द सेंसर्स आर ट्राइंग टू गेट दिस सीन चॉप्ड। बट हियर क्वेश्चन अराइजेस कि ये कोई पहली बार तो नहीं है कि सेंसर ने ये जेस्चर पास किया हो। इससे पहले भी रॉकस्टार के प्रोमो से सेक्स और पलंग तोड़ जैसे वर्ड हटाने वाले सेंसर्स ने रणबीर के इस जेस्चर पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई। और सिर्फ सोनम और रणबीर ही क्यों, इससे पहले नो वन किल्स जैसिका में रानी मुखर्जी और नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार भी सेंसर को मिडिल फिंगर दिखाकर साफ साफ बच गए। तो क्या उस वक्त सेंसर के बड़े ऑफिशियल्स को भी नहीं पता था इसका रेलेवेंस? इसीलिए सेक्स और कॉन्डम जैसे वर्ड्स पर हमेशा ऑब्जेक्शन उठाने वाले सेंसर बोर्ड, जो रॉकस्टार में टिबेटन फ्रीडम इशू पर बेस्ड एक सीक्वेंस को भी पॉलिटिकल इशू बन जाने के डर से चॉप कर देता है, वो मिडिल फिंगर को कर देता है पास। अब इस शॉकिंग न्यूज के पीछे क्या है सेंसर के रियल रीजंस, ये तो सेंसर ऑफिशियल्स ही जाने, लेकिन इंडस्ट्री में बॉलीवुड के यूथ आइकन्स के ऐसे ऑब्जेक्शनेबल जेस्चर पर जरूर खड़ी हो जाएगी डिबेट कि आखिर कितना एक्सेप्टेबल है फिल्म में ऐसे जेस्चर्स और उन पर सेंसर बोर्ड का स्टैंड। गौसे।